शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम यहाँ नजर रखो कि कोई आए नहीं, तब तक मैं इसे बाहर ले जाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ, तब तक हम भी देख लेते हैं माँ सोई है या नहीं। श्रद्धा, मैं आ गया। सब शांत है, माँ भी सो गई है। वो दीदू कहाँ है? ना है तुम्हारी दीदू? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? आवाज नीचे, कोई सुन लेगा। श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ हो तुम? रोशनी, ये मत भूलो, ये हमारी बहन है। वही बहन जिसने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया था, जब इसी बहन ने तुम्हारे पति को जेल भिजवाया था। इन सारी बातों की नाराजगी है, इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बहन को बोरी में बंद कर दे। कीर्ति, अब हम यहाँ तक आ गए हैं ना, बस थोड़ी देर और फिर मंजिल के इतने करीब आके लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। और जब लक्ष्य बड़ा हो ना, तो रास्ते में छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती है। ठीक है, तुम हो ना मेरे साथ? ठीक है, आप अब इसे उठाते हैं। हाँ, चलो मदद करो मेरी। दीदू को लगना जाए। हाँ हाँ, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ हो तुम? श्रद्धा कहाँ चली गई है? ये दरवाजा क्यों खुला है? श्रद्धा, 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 तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? वो श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा कहाँ है? वो दीदू, दीदू को ही तो ढूंढने हम बाहर आए।
वॉशरूम के लिए उठी थी, पता नहीं फिर कहाँ गायब हो गई। श्रद्धा पता नहीं कहाँ चली गई है। अब नीचे तो नहीं है वो, हमें लगता है कि शायद ऊपर चली गई होगी। वो कीर्ति की ऐसी शक्ल देख के तो अभय को पक्का शक हो जाएगा, कहीं उसके सामने कुछ बोलना दे। तुम्हें ऊपर देखना चाहिए। हाँ मैं ऊपर जाके देखता हूँ, तुम यहाँ नीचे ही देखो, मेरे तो मुझे बताना। श्रद्धा कीर्ति खड़ी क्या हो, आओ ना यहाँ पे, काम अधूरा रह गया, आओ जल्दी। रोशनी हमें ना बहुत डर लग रहा है, अगर घर में किसी को भी पता चल गया ना कि हम क्या कर रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। ओफो, बुरा सोचोगी ना तो फिर बुरा ही होगा। और अगर ये प्लान हमारा फेल हो गया तो बस दूसरा प्लान है ना। अब सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करो, चलो उठाओ इसे अब जल्दी जल्दी करो। आराम से आराम से, चल चल चल। चली कहाँ गई श्रद्धा अचानक से, कहीं भी नहीं है घर पे। अबे भाई देख के आराम से, एक तो श्रद्धा कहीं मिल नहीं रही और तू मुझे देखने को बोल रहा है। पूरा घर छान मारा, ऊपर देख लिया नीचे देख लिया, श्रद्धा कहीं भी नहीं है यार। अब तो कीर्ति भी घर पे नहीं है, तेरा बीपी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है यार। चिंता तो मुझे भी हो रही है, अचानक ऐसे दोनों महीने कहाँ जा सकती, फोन भी लगा रहा हूँ कब से पर वो फोन भी नहीं उठा रही। श्रद्धा कहाँ हो तुम, कहाँ गायब होगी तुम, पूरा घर छान मारा मैंने। इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे और तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। फोन? हाँ वो फोन ना घर पर ही रह गया था, दीदू को ढूंढते ढूंढते हम बाहर निकल गए थे। वैसे आप लोग ने कहाँ कहाँ ढूंढा दीदू को? ये पूछो कहाँ नहीं देखा हमने, ऊपर नीचे किचन में हॉल में हर जगह। स्टोर रूम? वहाँ नहीं देखा हमने। हाँ वही ना, हमें दीदू स्टोर रूम में मिली, बेहोश थी वहाँ पे। नहीं नहीं वो स्टोर रूम में नहीं थी। मैं किसी कमरे में थी, वहाँ पर कुछ औरतें थी, भजन गा रही थी, हवा में फूल भी उड़ा रही थी, शंख भी बज रहा था वहां पे। नहीं दीदू आप स्टोर रूम में थी, बेहोश थी वहां पे, मैं नहीं देखा है आपको। नहीं कीर्ति मुझे अच्छे से याद है, मैं यहाँ से उठकर हॉल में गई थी क्योंकि मुझे लगा कि कोई बाहर है, और फिर मैं अचानक बेहोश हो गई और फिर मैं उस कमरे में थी। कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा है।
किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।